आप छत्तीसगढ़ में चलिए, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आप झारखंड में चलिए, खूंटी में चले जाइए, आप वहां पर जाइए, बड़े बड़े डिटेंशन कैंप्स बन चुके हैं। आप लोग यहां दिल्ली में हैं, शायद आप लोग को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। नहीं, डिटेंशन सेंटर तो पता है, लेकिन कहां कहां पर? भाई साहब, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास प्रूफ्स हैं, जिसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि माता जी की उम्र क्या है मोदी जी के? 92 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माता जी भी तो जिंदा थी जब पार्टीशन हुआ। उनसे मोदी जी कुछ सीखे, अपने माँ से ही सब सीखते हैं, कोई सीख कर नहीं आता है। अगर पता होगा तो आप समझ रहे हो कि आदिवासियों को हिंदू में गिन करके उनको बड़ी संख्या दिखाया जा रहा है। अब दूसरा चीज, और दूसरी चीज, अगर हिंदुओं की संख्या आदिवासी को हिंदुओं में गिना करके आदिवासी को हिंदू में ले आया जाएगा तो आदिवासी का मेजोरिटी कहां जाएगा, रिजर्वेशन कहां जाएगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली आदिवासी का। सर, पहले बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैं एक युवा हूं और मैं झारखंड के जमीन से आया हूं। मैं खुद एक आदिवासी युवा हूं। आदिवासी युवा होने के नाते जब मैं भारत का नागरिक हूं तो मेरे अंदर मुझे कुछ कुछ राइट्स मिले हैं, अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, रिजर्वेशन का अधिकार मिला है। उस कारण से शायद मैं आज आपके सामने बोलने के लायक हो चुका हूँ। आज जिस तरीके से चीजें चल रही है CAO NRC को लेकर के, मैं अपना आदिवासी का दृष्टिकोण देना चाहता हूँ आपको। आपको पता होगा पिछले साल 13 फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जितने भी गैर लोग, आदिवासी लोग हैं और जंगल के लोग हैं, उनको जमीन जंगलों से निकाल दिया जाए, और उसमें से करीबन 20 लाख आदिवासी परिवार उसके कैटेगरी में आ गया था। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था प्रूफ करने के लिए कि वो अपने जंगल के मालिक हैं। आप समझ सकते हैं आप कि आदिवासियों के पास वो तो 20 लाख था, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे पिछड़े वर्ग के आदिवासी लोग हैं। ये पूरा कैलकुलेशन अगर करके दिखाया जाए तो 5.5 करोड़ आदिवासी ऐसे हैं पूरे भारत में जिनके पास अपने अप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उनके पास खतियान है, ना उनके पास जल जंगल जमीन का प्रूफ है, कुछ भी नहीं है उनके पास। अब ऐसी व्यवस्था में अगर CA लाया जाए, NRC लाया जाए और NPR किया जाए तो डेफिनेटली बात यही है कि एक झटके के अंदर डिटेंशन कैंप में उनकी मौजूदगी संभव है। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं जो CA का विरोध कर रहे हैं, दलितों का विरोध कर रहे हैं, SC ST का विरोध कर रहे हैं। सवाल तो ये है सर कि मीडिया खुलकर के सामने चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा है। ये SC और ST वाला हिसाब किताब नहीं है, ये मानवता का हिसाब किताब है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी आप हमारे वहां पर चले, जनगणना की बात चल रही है, वहां पर शुरू हो चुका है और वहां पर लोग आदिवासियों को हिंदू धर्म में लाना चाह रहे हैं। और जो कैटलॉग है उसमें जब धर्म के बारे में आदिवासियों से पूछा था, मेरे घर में आदिवासियों से पूछा आपका धर्म कौन सा है, तो वो जब बोलते कि मेरा धर्म सरना है क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजा करते हैं, तो वो लोग कहते नहीं आपका धर्म हिंदू है, तो हिंदू कैटेगरी में हम लोग को इंक्लूड कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम लोग जबरदस्ती, अब लिखने वाले तो हम नहीं है, आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते? आदिवासी प्रकृति पूजा सरना पूजा करता है, आदिवासी सरना धर्म मानता है, हिंदू नहीं है। हिंदू 4 वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है जो कि हम आदिवासी लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग प्रकृति में विश्वास करते हैं, हम लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते हैं। लेकिन RSS का झंडा तो सबसे ज्यादा आदिवासी उठा रहे हैं। RSS अपने एजेंडा में जा रहा है। आप जाकर के चले जाएंगे हमारे खुद के गांव के अंदर अंदर जाकर के RSS ने हनुमान जी को और बहुत सारे उनके देवी देवताओं को कहा कि ये आप ही के भगवान है। हम लोग कतई इस तरह का चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारा धर्म अपना प्रकृति और सरना धर्म है जिसको हम मान्यता मानते हैं और इसकी चीज की हम मांग करते हैं। सवाल अब ये आता है कि जब हम लोगों को ये लोग धर्म के नाम पर बंटवारे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे कि ये मुसलमानों का मुद्दा है, किसी और का मुद्दा नहीं, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, मानवता का मुद्दा है, मुद्दा है इंसानियत का, मुद्दा है कि किसको किसको डिवाइड किया जा रहा है। अब अगर हम लोगों को धर्म के आधार पर हम लोग को अलग बंटवारा किया जाएगा, आप हमारे गाँव में चले जाइए, गाँव में भी हमारे पास जल जंगल जमीन के पेपर्स नहीं है, वहां पर जहां पर माइनिंग इलाका है, मैं आपको बतला दूंगा, हमारे पास लिस्ट है, डिटेंशन कैंप्स बन चुके हैं और तैयारी पहले से चल चुकी है। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार बांट रही है? सवाल तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं मैं। आप छत्तीसगढ़ में चलिए, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आप झारखंड में चलिए, खूंटी में चले जाइए, आप वहां पर जाइए, बड़े बड़े डिटेंशन कैंप्स बन चुके हैं। आप लोग यहां दिल्ली में हैं, शायद आप लोग को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। नहीं, डिटेंशन सेंटर तो पता है, लेकिन कहां कहां पर? भाई साहब, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, हमारे
हमारे पास लोग हैं, हमारे पास प्रूफ्स हैं जिसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं। तो इसके आधार पर जब आदिवासी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि नागरिक हैं, डेफिनेटली पूरा का पूरा 5.5 करोड़ का तबका एक ही झटके में डिटेंशन का। आप सीधे सीधे देखिए ना, जो आसाम में एनआरसी हुआ, आसाम में एनआरसी में कितने लोगों को बाहर निकाला गया? 19 लाख में से 14.5 लाख 15 लाख लोग हिंदू थे, लेकिन क्या आपको पता उसमें से 7.5 लाख लोग आदिवासी हैं? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो आप समझ रहे हो कि आदिवासियों को हिंदू में गिन करके उनको बड़ी संख्या दिखाया जा रहा है। अब दूसरा चीज, और दूसरी चीज, अगर हिंदुओं की संख्या आदिवासी को हिंदुओं में गिना करके आदिवासी को हिंदू में ले आया जाएगा तो आदिवासी का मेजोरिटी कहां जाएगा, रिजर्वेशन कहां जाएगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली आदिवासी का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी तो 8.6%, बहुत बड़ा खेल, बहुत ही बड़ा खेल। इसमें संदेह इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि जो डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं अधिकांश आदिवासी क्षेत्र में बन रहे हैं। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में है, सिवनी में है, होशंगाबाद में है, ये सारा जो इलाका है आदिवासी इलाका है। बिल्कुल, वहाँ पर इतने 5,000 हेक्टेयर में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं जिसमें आप कम से कम 5 लाख लोगों को रख सकते हैं एक समय में। तो क्या इतना जल्दी आदिवासी क्षेत्र में इतने अपराधी पैदा हो गए? अब सेंट्रल जेल के नाम से उधर डिटेंशन सेंटर आदिवासी इलाके में बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सेंट्रल जेल के नाम, सेंट्रल जेल के नाम से अभी बन रहा है कुछ कुछ जगह डिटेंशन सेंटर के नाम से, लेकिन जो होशंगाबाद में है, सिवनी में है, छिंदवाड़ा में, अभी सेंट्रल जेल के नाम से बन रहा है। नाम दे रहे सेंट्रल जेल, लेकिन उसका आर्किटेक्चर देखेंगे, डिजाइन एग्जैक्टली बिल्कुल आसाम में बना है डिटेंशन कैंप की तरह, कर्नाटका में बना है, वही स्ट्रक्चर, वही ढांचा हर जगह बन रहा है। तो यही हमें डर है। लेकिन सर आंदोलन को 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इस पर भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो नकली चढ़ने के लिए तैयार है, तो आखिर रिजल्ट क्या होगा इसका? अब ये सरकार की अपनी क्या मंशा है उसे हम नहीं कर सकते। सरकार तो अभी भी कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इसी इलाकों पर हम कह रहे हैं, आदिवासी लोग कह रहे हैं और पूरे गरीब तबके के लोग कह रहे हैं कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारे करने या मरने का सवाल उत्पन्न हो गया। अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है लड़ने के अलावा, सिर्फ यही एक रास्ता हमारे पास है कि हम अपने वजूद को बचाना चाहते हैं तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, और हम इसीलिए सड़कों पर आ चुके हैं, घर में बैठ करके या तो कुछ सिद्धांत लागू करके अभी हम बचा नहीं सकते हैं, अभी यही एक रास्ता है। साहब नागरिक ही नहीं रहेंगे, नागरिक ही नहीं रहेंगे तो जितना भी हमारा संवैधानिक अधिकार है सारा चीज हमसे तो यूं ही छीन लिया जाएगा, तो अब हमारे पास विकल्प क्या, आप ही हमको बतला दो। मेरा सवाल है आप लोगों से, जरा आप ही बता दो विकल्प क्या है हमारे पास। बाहर के लोग आएंगे जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से, उनको नागरिकता दी जाएगी, आपसे तो कोई मतलब ही नहीं है सरकार का ये कहना। आप इसका दूसरा, बहुत बढ़िया सवाल, आप इसका दूसरा पक्ष भी तो देखो, नागरिकता दी जाएगी तो नागरिकता ले भी तो जी जा सकती है, ये भी तो बुद्धि लगा करके देखिए आप लोग। आप सिर्फ एक ही पक्ष को देखते हैं, एनआरसी के लिए मना किया ना? एनआरसी भाई साहब, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे जाइए, एनपीआर का रूल है कि एनपीआर करने के बाद ही एनआरसी शुरू हो जाएगा, उसके क्लॉज में लिखा हुआ है, वी आर डूइंग द एनपीआर बिकॉज दिस विल एक्चुअली एक्ट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ एनआरसी। ये होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट में आप जाकर के देखिए, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी है। आप बोलिए, बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है भाई। जो हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे आदिवासी लोग हैं, हम तो समझ जा रहे हैं, और ये चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से, ये चीज आप लोग थोड़ा फैलाएं, इन चीजों को इनको बतलाएं, डॉक्यूमेंट थोड़ा पढ़ने थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो इस कारण से अपने अधिकारों के बारे में बोल पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि काम करना बंद कर रहे हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न्याय व्यवस्था में भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, फिर इसका विकल्प क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? यही तो विकल्प है, ये देख रहा है यहाँ पर खड़े, यही विकल्प हमें दिख रहा है और कुछ नहीं है। और क्या पूरे भारत के लोग अलग अलग स्टेट से, और क्या विकल्प है? यही तो हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखा जा रहा है जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, डिटेन किया जा रहा है, आंदोलन करने में नहीं दे रही ना सरकार। भाई साहब अगर हम लाठी उठाना शुरू कर देंगे फिर तो दंगाई पर हो जाएगा, हम क्यों करें? हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर क्यों ना चले? भाई शांति से अपना सारा आंदोलन करो, हम कोई हाथ पैर नहीं हाथ चलाना चाहते, ना कोई हम लाठी पैर चलाना चाहते। लेकिन जो आज वाला तो नाथुराम गोडसे के विचार पे चल रहा है, सामने वाला नाथुराम गोडसे के विचार पे चल रहा है, तो आप गांधी के विचारों में कैसे चलेंगे? बीजेपी सरकार पूरा जो है, सवाल नाथुराम गोडसे या सवाल महात्मा गांधी का नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ फंडामेंटल सवाल इंसानियत का है।
इंसानियत के बारे में चाहे गांधी जी बोले, चाहे राम बोले, चाहे जीसस बोले, चाहे आप बोले, उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं प्रॉपर आदिवासी, ठेठ आदिवासी महिला हूँ और पहले हम लोग रायगढ़ में रहते थे, फिर नागपुर में हमारे पूर्वज कांग्रेस के लिए काम करके गए हैं, नेता भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, फिर नागपुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में आ गया, वो मध्य प्रदेश में आ गया। ग्वालियर से हमारी दादी जी है, 102 साल के होकर मेरे दादाजी गुजरे हैं, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है। एक ही सब्जेक्ट है आदिवासियों का, एंथ्रोपोलॉजी, उसमें क्लियर कट लिखा है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ गोंड राजाओं ने राज किया था, हम लोग राजा परिवार से हैं। ये जो बड़े बड़े किले और ये सब दिख रहे हैं ना, इस पर लोगों ने पार्टीशन के बाद अपना हक जमा लिया, अपने घर बना लिए, गवर्नमेंट ने अपना कब्जा कर लिया, जो कि गलत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि माता जी की उम्र क्या है मोदी जी के, 92 साल अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो माता जी भी तो जिंदा थी जब पार्टीशन हुआ, उनसे मोदी जी कुछ सीखे, अपने माँ से ही सब सीखते हैं, कोई सीखकर नहीं आता है, तो सिर्फ आदिवासियों के पीछे क्यों पड़े। यहाँ की दुनिया, पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का है, पहले हमने जन्म लिया, इंसान का रूप लिया, हमारे बाद ही सब लोग पैदा हुए, सारे हमारे बाद पैदा हुए। आज भी आप म्यूजियम्स में जाइए, सबको खदेड़ के भगाया गया है, कहाँ गए हमारे किले। हम लोग नेचर को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे ही भोले भाले है शिव जी, और उन्हीं की पूजा क्यों करते हैं। मानते हैं, क्यों नहीं मानते, मैं खुद नागपुर से हूँ, जन्मभूमि है मेरी नागपुर, मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और उन्होंने ही सिखाया है कि कैसे बोलना है, कैसा हक लेना है। वही तो कह रहे हैं, जब मेरी जमीन ये है, हमारे आदिवासियों के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते, घर में ही गड्ढा खोद के वहीं बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ अपने आप अपना प्रसव करती है, तो कौन सी सर्टिफिकेट लाए, माँ को ये नहीं पता कि कौन से डॉक्टर के पास जाए। तो हमें जो माँ ने पैदा किया है, हमारे पर आपको शक है, गवर्नमेंट को शक है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं क्या। ये पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, जल जमीन जंगल सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के है, आप छीन नहीं सकते। जैसे महामारी फैल गई थी ना, अब आदिवासी इतना जागरूक हो गया है कि हम वैसी महामारी फैला देंगे पूरे हिंदुस्तान में, ना कोई जनरल कास्ट का हमें ये बना सकता है, आरएसएस का बना सकता है। अभी ये 10 साल से नौकरियां नहीं है ना, क्यों नहीं है, आदिवासियों के सारे नौकरियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, सारे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आदिवासी लोगों को हटाया गया, नो वैकेंसी फॉर आदिवासी, वाई, ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे दादाजी तो नहीं पर ताया जी तो ज़रूर है, और माता जी से थोड़ा सा शिक्षण प्राप्त करके हिंदुस्तान को आप बचाएं, आप विरोध ना करें। धन्यवाद। उससे पहले मेरा ये कहना है कि हम लोग आदिवासी लोग हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि ये धरती बनी है जब से, हम यहीं के वासी हैं, और यह देश बना है बाद में, हम पहले से आदिवासी हैं। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारे दसों दिशाओं में भाले लटक रहे हैं, अरे सुमन कहाँ है पग पग में, हम तो कांटों में भटक रहे हैं, अरे ऐ परदेसी तुम मुझसे मेरा परिचय पूछते हो, मैं माँ हूँ उन बेटों की, मतलब गोंडवाना, मैं माँ हूँ उन बेटों की जिनके बेटे आज दर दर भटक रहे हैं, हम वो लोग हैं साहब, इस आज़ादी में हमने 65% जमीन दिया था भारत को, ये इतिहास को पलट के आप लोग पन्ना पलट के देखिए कि भारत की आज़ादी में आदिवासियों ने 65% जमीन दिया था, अगर 65% जमीन हम ना देते तो भारत के लोगों को सांस लेने की जगह नहीं थी, वो खड़ा कहाँ होते। हम वो लोग हैं, हम प्रोटेस्ट इसके लिए कर रहे हैं, ये तो मुस्लिम एक बहाना है, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी का अधिकार को मिटाना है, अरे और लोगों की तो सिर्फ नागरिकता जाएगी, हमारी तो जल जंगल जमीन भी जा रही है, हम आज़ादी इसके लिए इतना है क्या कि हमने आपको 65% जमीन दी, भारत के स्वरूप को बनाया था, जब इस देश को बनाया था इसके लिए बनाया था क्या कि हम एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर आकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमने एक सुंदर भारत का सपना देखा था, हमने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में विश्वास किया था और संविधान का समझौता किया था कि संवैधानिक पद्धति के अनुसार ये देश चलेगा, उस पर हमने समझौता किया था, और ये एनआरसी और सीए की वजह से हमने समझौता नहीं किया था। आप अमेंडमेंट उठा कर देखिए, मेरा कहना यह है साहब।